हेलो जी, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। और आप सबका एक और प्यारे से व्लॉग में स्वागत है। तो मैं नहा ली हूँ, और क्या नाम है, आपको लग रहा होगा गर्मियों के कपड़े देख के कि गर्मियाँ आ गई हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी धूप निकली हुई है, शरीर को भी धूप लगनी चाहिए। तो अब अंदर है ठंड, तो अंदर जाके मैं पहन लूँगी। और मिशी का भी नहा ली है, इसके पापा रहे हैं सो। और मेरे यहाँ पे जूतों की पूरी पूरी लाइनें लगी हुई हैं, धुले हुए हैं। एक मैंने उधर सुखा रखे हैं सामने मेरी उंगली के बिल्कुल। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। सब्जी वगैरह काट दी है मैंने, आज हरी हरी सब्जियाँ खाएंगे। और बस यही कहूँगी, अच्छा लगे व्लॉग तो लाइक करना, और अच्छा लगे तो शेयर करना, कमेंट करना, और इससे ज़्यादा अच्छा लगे तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे तो बिल्कुल भी मत जाना। हम जैसे लोगों को भी मौका दो यार, 1 साल हो चुका है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका जो फल है उस हिसाब से मुझे नहीं मिल रहा है। तो बस क्या ही कह सकते हैं, है ना? तो वही है, 1 साल निकल गया है यार। अब तो नए साल पे कुछ नया करने का मन होता है, कुछ नया हो, बहुत अच्छा हो, तो बस उसी की उम्मीद है मुझे तो। और मेरी उम्मीद ना टूटने वाली है, ना मैं तोड़ूंगी, और ना मैं हार मानने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? तो चलिए जी, किचन में चलते हैं। और आंटी भी यहाँ पे जो है अपना सब्जी वगैरह काटने का काम कर रही हैं, धूप का मज़ा ले रहे हैं। बस धूप जाने वाली है, 1-1.5 घंटे में चली जाएगी। मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ और अपना खाते पीते हैं, क्योंकि भूख लगाई है बहुत जोर की, 12:15 बज चुके हैं। और हाँ, मेरे टावल वगैरह सूखे हुए हैं, मैंने आज जो है ये रोटियों का छलना भी धो दिया था मेरा टावल यहाँ। और ये पानी की बोतल जो है मुझे अंदर लेके चलनी है। हे सूरज देवता, तेरा मैं नमन करती हूँ बहुत ज़्यादा कि हमें रोज़ दिखे, लेकिन आने वाले टाइम में जो है बारिश बता रखी है 3 दिन की, तो मैं तो पहले से ही घबरा चुकी हूँ। मेरी लाडो रानी अंदर घुसी हुई है, और आप ही पीछे दीवारें देख रहे हैं, सो गंदी हो रखी हैं, शायद आज कुछ होने के चांसेस हैं इनके। तो जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं वीडियो बना के बिल्कुल भी सब्जी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वीडियो बनाऊंगी तो सारा काम रह जाएगा। तो चलिए जी, पहले चलते हैं किचन में। मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में, और आप देख सकते हैं सब्जी मेरी उधर बननी रखी हुई है, मैंने छोक दी थी, और कम धीरे गैस पे रखी हुई है, अभी वो बनती रहेगी। और मैं यहाँ गूंद लेती हूँ आटा, और आटा मेरा इतना ज़बरदस्त गूंदता है कि कोई प्रात में देख के ये नहीं कह सकता कि इसमें आटा गूंदा हुआ था, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लीन करके रखती हूँ, और क्योंकि फिर वो आटा चिपका रहता है, फिर वो उतरता नहीं है इस वजह से। और ये देखिए मेरा आटा गूंद गया है अच्छे से, और यहाँ मिशू ने सारे फैलाए हुए थे तो मैं वही संगवा रही थी, और इसके पापा और मिशू जा रहे हैं दूध लेने, तो इसलिए मैं उनका कंबल जो है धूप में डाल देती हूँ इतने जब तक वो आते हैं और दोबारा सोने का टाइम होता है, और चादर भी साथ के साथ झटका दूंगी, क्योंकि वैसे तो टाइम मिलता नहीं है क्योंकि वो सोते हैं दिन में, और जैसे ही वो दूध लेने वगैरह जाते हैं कहीं पर तब तो मैं उनकी चादर झाड़ देती हूँ। और यहाँ मेरी आलू पालक की सब्जी बड़ी मस्त सी बनी थी, चटपटी सी सब्जी बनी थी, तो बहुत ही अच्छी बनी थी। और यहाँ मैं फटाफट रोटियाँ भी बेल दूंगी, रोटियाँ बनाने कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे। तो जी, इतने मेरी रोटियां बनेंगी, इतने में वो पापा बेटी दोनों आ जाएंगे। और मैंने पहले जो है लोइयां बना कर रख दी, क्योंकि तवा इतने गर्म होता तो मैंने इतनी लोई बना के रख दी थी, और बाकी का बचा हुआ आटा घी लगा के मैं टिफ़िन में रख दूंगी, क्योंकि वो शाम को फिर मैं यूज़ करती हूँ, और क्योंकि 2 घंटे बाद फिर मेरे को नहीं तो आटा लगाना पड़ता, अब सर्दियों में तो ख़राब होता नहीं है। और यहाँ पर जैसे ही रोटियाँ बन जाती हैं मैं गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और मैं परात वगैरह सब धो करके आ गई थी, और किचन भी मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया था। अब इंतज़ार है तो सिर्फ उनका, और मैंने सोचा चल धूप आई हुई है, इतने धूप में बैठ के अपनी जो है नेल पॉलिश उतार ले पैरों की, हाथों की तो मेरी नहीं है, क्योंकि हाथों के तो मैं मतलब कहीं जाना होता है तभी लगाती हूँ, पैरों की भी जब मैं घर गई थी तब की लगाई हुई है, तो इस वजह से। और मैंने चूड़ियाँ भी बदल ली हैं अपनी, और मैं सिर्फ आंटी अंकल को उधर देख रही थी बैठे बैठे, और बस जी। और यहाँ चटाई बिछा देती हूँ, क्योंकि यहीं पर बैठ के हम खाना खाएँगे, धूप आई हुई थी, और बस अभी उनका तो इंतजार गाइस, है। खाना वाना बन गया है, अभी पापा बेटी गए हैं दूध लेने, और मिशू की जैकेट जो वैसे तो कल लेकर आनी थी लेकिन कल नहीं ले पाए, तो आज जाके जो है वो लेकर आएंगे। और बस मैं यहाँ धूप में बैठी हूँ, मज़ा आ रहा है धूप के मज़े लेने में, और बस यही है, अभी दूध ले आएंगे, क्योंकि दूध के साथ रोटियाँ खाई जाती हैं, इस टाइम हम दही वगैरह नहीं जमा रहे हैं। और बस मैंने अपनी जो है हाथों पर तो मैं नेल पेंट काफ़ी टाइम से लगाई नहीं थी, पैरों की नेल पेंट 1 महीने पुरानी
पुरानी हो रखी थी, तो मैंने कहा चल उतार देती हूँ, अब जो है नई लगाएंगे, एक दो दिन बाद देखूंगी मैं। तो चलिए जी, आप वीडियो में बने रहिए। तो जी, टाइम हो गया है फिर से शाम का। खाना पीना खा के हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। मैं तो इवन सो ही जाती हूँ, मुझे नींद आने लग जाती है। पता नहीं आजकल दिन भी थोड़े बड़े होने लगे हैं मेरे हिसाब से। और सबसे पहले जो है उबला हुआ दूध मैंने साइड में रखा है, और दूसरे पतीले में मैं इनकी कॉफ़ी के लिए जो है दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि इनकी चल रही है टीम मीटिंग। तो ये टीम मीटिंग कर रहे थे और मैं सोचा चलो मैं कॉफ़ी बना के दे देती हूँ। कई देर हो गई थी इनको, आज मैं थोड़ी लेट 5:30 बजे के आसपास जो है उठी हूँ, क्योंकि वही है ना, इनको लेट जाना था इस वजह से। तो ये देखिए कितना मतलब अच्छे से रजाई में, मतलब कंबल में अच्छे से ओढ़ आड़ के तब बैठे थे, क्योंकि ठंड शाम के टाइम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ मीशू का। मीशू सो रही है, लेकिन मैंने कहा सोचा फिर चाय का पतीला हो जाएगा एक काम से, मतलब दो काम क्यों करने एक चीज उससे। तो इस वजह से मैं पहले ही अच्छे वाला उबाल के इसका रख देती हूँ, क्योंकि वो उठने वाली थी। तो मैंने कहा उठने से पहले जो है इतने गर्म कर देती हूँ। और यहाँ मैं अपना पानी ले रही हूँ चाय के लिए, तो बस अपने जो है चाय पत्ती चीनी डाल के और अच्छी खासी अदरक घिस लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा अदरक की चाय ज़्यादा पसंद है, कड़क वाली जो जिसे बोलते हैं वही। ये देखिए, क्योंकि मैं घिया का से पहले कूट कूट के डालती थी, कितनी अदरक डाल लेती थी, लेकिन फिर भी जो है उसका टेस्ट नहीं आता था। तो ये मेरी मैंने चाय बनने के लिए रख दी है सामने, वो अपना कॉफ़ी इंजॉय करेंगे, मैं अपनी चाय इंजॉय करूँगी अलग कमरे में बैठ के। और मीशू जो है वो अपना सोई रही है। तीन बंदे, वो भी तीन कोनों में पड़े रहते हैं अलग अलग। तो ये मेरी चाय भी बन गई है, और बस मैं एक ब्रेड ले लूँगी साथ में, क्योंकि जो है चाय के साथ मेरे अकेली कभी भी चाय मेरे से पी नहीं जाती, ये फैक्ट है। आज तक मेरे से अकेली चाय नहीं पी गई है। और बस मैं यहाँ बैठ के थोड़ी ही चुस्कियाँ ले लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। दे दे पापा को हगी, पापा जा रहे हैं, फिर कहेगी ओ माई गॉड पापा गए, ओ माय गॉड क्या हो गया। ये रख दो, हाँ ले जाओ, ये रख दो पहले, जाओ जाओ जाओ। ओए ये नहीं मिल रही ना, नहीं मिल ये नहीं मिल रही, तुम जाओ। चलो मिलेंगे, तीनों मिलेंगे मिलेंगे। अरे वो तो कितने गंदे कह रहे, सुबह मिलेंगे, सुबह ही मिलना। तो चलो आ जाओ, इनको पापा हाई फाइव। तुम करो लो, तुम करो ये बस ठीक है। मैं भी जाऊं? हाँ।